हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेवन बी के सोल्यूशंस को जिसमें कि हमने पहला क्वेश्चन लिया है ए मास एम हैंग्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाय ए लाइट स्ट्रिंग एंड इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ मैं इसका कि ए मास एम हैंग्स फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट बाई ए लाइट स्ट्रिंग एंड इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये क्वेश्चन एस एच एम का है तो इसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग है एक इंड पर फिक्स है और दूसरे इंड पर एक मास हैंग कर दिया गया है शो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक यानी इसका शो करना है कि मोशन जो हो वो SHM होगा वो एस एच एम होगा If L is the length of the string when the system is in equilibrium, ये बात ध्यान देना है कि जो लेंथ L गिवेन है वो उस समय की है जब पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है यानी हैंग करने के बाद जहां पर आकर के वो स्टॉप कर जाता है उसमें कोई आगे मोशन नहीं होता है ठीक फिर क्या कहते हैं कि एंड एन द नंबर ऑफ ऑसलेशंस पर सेकेंड एन यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई है यानी टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन होता है तो शो क्या करना है कि शो दैट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल माइनस जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब इसको फिगर से समझिए फिगर से ये है कि यहाँ पर ये देखिए कि एक हम स्ट्रिंग लेंगे स्ट्रिंग एक पॉइंट पर फिक्स है ठीक समझिएगा इसको आप एक पॉइंट पर फिक्स है ये आप मान सकते हैं कि ओ पॉइंट पर फिक्स है राइट ओ इज द्वाइंट वे आर द स्ट्रिंग इज फिक्स और इसका एक पॉइंट ही आपका ए रहा होगा यानी ओ ए नेचुरल ले लिया हमने ठीक और यहां पर जब मास हैंग किया तो फिर ये थोड़ा सा मास हैंग करने के बाद ऑटोमेटिक एक्सटेंशन होता है ड्यू टू द वेट ठीक तो नेचुरल लेंथ आप थोड़ी देर के लिए ए सपोज कर सकते हैं चूंकि ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको दिखाना है कि शो दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल माइनस जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर तो एल क्या है एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम का अगर आप पॉइंट ये बी मान लीजिए तो एल आपकी जो लेंथ है वो ओ से लेकर के से लेकर के बी तक है क्योंकि यहां पर मास एम है ये की पोजीशन है एम जी इसको आप फिगर नंबर वन भी कह सकते हैं राइट right? अब क्या होगा <coughs> कह रहे कि फिर से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें एंड इज गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली बी पॉइंट पर जहां मास है इसको थोड़ा सा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दीजिए नीचे की तरफ थोड़ा खींच लीजिए पुल डाउन एंड लेट गो अब इसको जाने दीजिए चलिए एक और फिगर बनाते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये इस तरीके से यानी कि ये हमारा फिक्स पॉइंट हम पूरा लॉन्ग ये वर्टिकल ले रहे हैं ये देखिए बी पॉइंट है जो कि क्लवेरियम में है और ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है ये तो नेचुरल है इस फिगर में आप फिर से देखिए एक बार ये नेचुरल लिया हुआ है और ये एक्सटेंशन थोड़ी देर के लिए आप बी मान लीजिए जो नेचुरल के बियॉन्ड हुआ है राइट और ये मिला करके एल है यानी हम कह सकते हैं कि एल इक्वल टू कितना है ए प्लस बी के बराबर है अब नीचे आपने इसको पुल किया कहां तक सी पॉइंट तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया और यहां से इसको छोड़ दिया जाने दिया ऊपर की तरफ तो ये कहां जाएगा जैसे कि पिछले वीडियोज में उन्होंने बताया है कंसेप्ट कि जब सी से छोड़ेंगे लेट गो तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर किधर की तरफ जाएगा अपनी मीन पोजिशन की तरफ जाएगा मीन पोजिशन इसकी क्या है बी मेन पोजिशन यानी जहाँ इक्लेवरियम पहले था फिगर वन में जब सिस्टम हमारा केवल मास एम जी हैंग कर रहा था उसको पुल डाउन नहीं किया था हमने <coughs> अब यहां से जाने दिया और इसको आप मान लीजिए कि पी पॉइंट पर है यहां से मोशन ऊपर की तरफ होगा सी से और ये डिस्टेंस आप एक्स मान सकते हैं और याद होगा कि पी पर हम लोग एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं ठीक तो और P पर ही जब पार्टिकल होगा या मास होगा तो उस समय टेंशन आप T ले सकते हैं अभी कैलकुलेट करेंगे और इक्विवरियम में आप टेंशन स्ट्रिंग में T नॉट ले सकते हैं राइट तो T नॉट इज इक्वल टू एम रहेगा तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होता है इन प्रॉब्लम्स में एग्जाम्स में तो मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप फिगर पहले क्वेश्चन समझेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाएंगे अब फिगर से ही लैंग्वेज लिख सकते हैं यानी कि एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं किस तरीके है का जो जो हम लोगों ने किया क्या क्या, क्या किया इसमें कि लेट ओ ए बी ए स्ट्रिंग ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई ऑफ नेचुरल लेंथ क्या ऑफ नेचुरल लेंथ कितनी है इसकी ऑफ नेचुरल लेंथ ओ इज इक्वल टू ए ये ओ ए नेचुरल लेंथ हो गई अब ए पर आपने मास हैंग किया और बी पर आ गया लेट एट ए मास इज हैंग लटका दिया या सस्पेंडेड भी लिखा जाता है ठीक है मास मास ए मास एम भी लिख सकते हैं मास एम इज हैंगड मास एम आपने हैंग कर दिया एंड सपोज सपोज एक्सटेंशन जो हुआ इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं एंड सपोज इंक्रीमेंट इन स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग इज ए बी ए बी इज इक्वल टू कितना हमने सपोज किया ये हमने बाद में यहां बी दिखाया आप यहां पर भी बी दिखा सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन जो है बी हुआ होगा इज इक्वल टू बी क्लियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है एट इक्वरियम यानी एट बी एट बी एट इक्म भी लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए नहीं ओ से लेकर बी तक ओ से लेकर के बी तक कितना दिया हुआ है आपको एल दिया हुआ है राइट यानी ये इंप्लाई करेगा आपको कि एल इक्वल टू ए प्लस बी जबकि बी आपने सपोज किया है और ए आपको डिटरमाइन करना है ठीक है अब क्या होगा कि इक्विब्रियम की पोजीशन पे एक कंडीशन क्रिएट करेंगे इक्वेशन बनाएंगे और दूसरा जब सी पर पुल करेंगे लेट गो जाने देंगे तो चलिए एट इक्िबरियम या एट बी भी लिख सकते हैं एट बी लेट टी नॉट बी द टेंशन द टेंशन इनटू द स्ट्रिंग इनटू द स्ट्रिंग देन टी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी लेकिन टी नॉट की वैल्यू भी होती है बाईहुक्स लॉ बट बाईहुक्स लॉ बाई हुक्स लॉ क्या हो जाएगा बाई हुक्स लॉ आपका टी नॉट इज इक्वल टू यहां लिख देता हूं टी नॉट इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स जो एक्सटेंशन होता है ये एक्सटेंशन कितना है बी अपॉन ए वेयर लैमडा क्या है लेमडा इज मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी देअर फोर या जो ये इंप्लाई करेगा टी नॉट ये बराबर हो जाएंगे यानी कि एम जी इज इक्वल टू लैमडा बी बाई ए ये क्वेश्चन नंबर वन आप होल्ड करिए ये क्लिब्रियम पे हमने बनाई हुई है ये थोड़ा एग्जाम में थ्योरी लिख दी जाती है एक्सप्लेनेशन देते हैं अब क्या होगा इसके बाद अभी तो फिगर नंबर वन की बात हो गई अब कह सकते हैं कि हम फिगर नंबर टू की बात करें फिगर नंबर टू यानी बी के बियॉन्ड नीचे पुल डाउन किया तो हम लिखते हैं इसमें नाउ लेट नाउ लेट मास या पार्टिकल मास एम इज पुल्ड डाउन ज पुल्ड डाउन अप टू सी एंड लेट गो ऊपर जाने दिया इसको ठीक देख रहे हो फिगर में पी पॉइंट पे एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग नौ सपोज नउ सपोज पी इज पोजिशन

Because mass M will try to reach, try to reach at equilibrium position, try to reach to equilibrium, to equilibrium, right? If P द टेंशन इफ टी वि टेंशन इन टू इन टू द स्ट्रिंग इंटू द स्ट्रिंग एट पी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू एक्स ठीक है बी पी इज इक्वल टू एक्स ठीक है देन अगर हुक्सला से देखें देन By बाई हुक्सला देन बाई हुक्सला टी इज इक्वल टू यानी टेंशन जो होगा पहले टी नॉट लिया था अब हमने T लिया है तो इसमें extension देखा जाएगा natural नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड कितना है तो नेचुरल लेंथ के बियॉन्ड जो एक्सटेंशन है अगर पी पॉइंट की बात करें तो बी प्लस एक्स और ओरिजिनल कितनी है इसकी ए है राइट लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा बी प्लस एक्स elasticity अब लेकिन यहां पर पार्टिकल रुकेगा नहीं हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया था कई वीडियोस में आपका कि यहां पर पार्टिकल को रुकना नहीं है अभी क्या होगा कि पी पॉइंट से अभी बी की तरफ जाएगा ठीक है तो मोशन हो रहा होगा इसका मतलब टेंशन ज्यादा होगा उसको ऊपर पुल कर रहा होगा ठीक तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी वो क्या बनेगी सो इक्वेशन ऑफ मोशन सो इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी विल बी ठीक है क्या हो जाएगी एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू यहाँ पर चूंकि मोशन होगा तो एम एक्स डॉट इज ईक्वल टू माइनस टी माइनस एम जी हो जाएगा टेंशन ज़्यादा है और मेन पोजिशन की तरफ आपका मोशन हो रहा है या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम एक्स डबल डॉट इज़ इक्वल टू और टी आपका नेगेटिव हो गया एम जी माइनस टी राइट और क्या लिख सकते हैं कि एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू और एम जी माइनस टी टी की वैल्यू ये वाली ठीक है ये हो जाएगा लैमडा बी अपॉन ए बी प्लस एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा बी बी प्लस एक्स अपॉन ए हो जाएगा राइट right? या फिर क्या लिख सकते हैं आप इसको थोड़ा ओपन कर लीजिए ये हो जाएगा आपके पास एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस लैमडा बी अपॉन ए माइनस लैमडा अपॉन ए इंटू एक्स राइट और आई थिंक कि ये दोनों इक्वल हैं कौन से एम जी इज इक्वल टू लैमडा बी लैमडा बी अपॉन ए ठीक है यूजिंग वन अगर इक्वेशन वन में देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ देखिए एम जी इज इक्वल टू लेमडा बी बाई ए ठीक है और इसको अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं क्लियर और यहाँ से लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन एम एक्स एस एच एम की क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं ना क्योंकि एस एच एम की जो क्वेश्चन है वो एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स है अच्छा देखिए लेमडा यहाँ सपोज्ड है हमारा मास एम बी सपोज है तो इसको हमें थोड़ा तो चेंज करना चाहिए ठीक है क्योंकि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो जी के फॉर्म में आ रही है तो लैमडा एम अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप कितनी हो जाएगी देखिए लैमडा एम अपॉन ए तो यानी कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम जी जी तो रहेगा अपॉन बी इज इक्वल टू लैमडा अपॉन एम ए राइट लैमडा रहने दीजिए ए को नीचे ले आइए क्लियर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन बी एक्स राइट ये इक्वेशन नंबर टू हो गई आपकी विच इज विच इज सेम एज ऐसे लिख सकते हैं विच इज सेम एज सेम एज इक्वेशन ऑफ एक्स एच एम गिवेन बाई गिवेन बाई एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स अब देखिये म्यू की वैल्यू कितनी है यहां पर तो हियर म्यू इज इक्वल टू अगर देखें तो जी अपॉन बी क्लियर यह हो गई म्यू की वैल्यू अब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और नेचुरल लेंथ ए आ, निकालना है राइट तो जी बाई बी ए अभी देखते हैं इसमें टाइम पीरियड आएगा तो उसी हिसाब से आपकी वैल्यू आ जाएगी अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है तो आप यहाँ देखिए गिवन जो गिवन है वो भी लिख लें गिवन आ, गिवन आ, एन इज या ऐसे करते रुक जाइए इफ़ कर लीजिए जी बाई बी ये हो गया ऐसे करिए इसको आपकी इफ टी इज़ टाइम पीरियड इफ टी इज टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम देन टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन एन क्या है नंबर ऑफ ऑसिलेशन गिवेन ठीक है यहां लिख दीजिए गिवेन गिवेन एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन राइट बट टाइम पीरियड क्या होता है ये भी एस एच एम करिए इम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन रूट म्यू राइट तो ये क्या इंप्लाई करेगा आपको टी की वैल्यू पुट करिए वन अपॉन एन टू पाई राइट और यहां पर म्यू की वैल्यू पुट करिए म्यू कितना हो गया जी अपॉन बी एक्चुअली यहां पर हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे ऊपर एक इक्वेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू एल वहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग राइट अब यहां पर क्या होगा स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इंप्लाइज जी बाई बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ये ठीक है और ये हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर क्लियर तो यहां से आपके पास जो b की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी g अपॉन फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर क्लियर और ऊपर आप एक बार नंबर डाला था कि नहीं क्वेश्चन का ये जरा एक बार देख लेंगे ऊपर यहाँ पर स्टार्टिंग uh, में हम लोगों ने जो लिखा था ये क्वेश्चन नंबर शायद वन है ये वाली uh, ये वन है ये टू हो जाएगी आपके ठीक है तो एल इक्वल टू ए प्लस बी तो फ्रॉम वन ले लीजिए इसको आप कि फ्रॉम वन हमारा यहाँ पर भी यूजिंग टू कर दीजिएगा ठीक तो आते हैं हम लोग फ्रॉम वन फ्रॉम वन ए प्लस बी इज इक्वल टू एल देर फोर ए ए क्या यहां पर नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रीम अगेन राइट एल माइनस बी और बी की यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आप तो एज इक्वल टू एल माइनस जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर राइट यही आपको प्रूफ करना था तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा हेन्स प्रूफ एक से दो बार वीडियो देखेंगे और साथ साथ राइटिंग करेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा और बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा आपका चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन